रायपुर में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत मौजूद रहे। आयोजित प्रेस वार्ता में दीपक बैज ने कहा कि 27 सितंबर से छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत हुई थी और 2 अक्टूबर को इसका समापन हो गया है। इसके आगे उन्होंने बताया कि बाबा गुरु घासीदास का दर्शन कर हमने अपने यात्रा की शुरुआत की थी। वही सत्ता पक्ष की सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में 9 महीने की सरकार लगातार जनता को सुरक्षा देने में असमर्थ रही है। इतने दिन के सफर में हमें यह साफ साफ नजर आ रहा है कि शायद सरकार अपनी जनता का भरोसा खो दिया है। इसी क्रम में उन्होंने अपनी यात्रा को लेकर कहा कि इस यात्रा से यह भी समझ में आया है कि सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में माहौल है। इस यात्रा में जिस तरह का समर्थन हमें जनता का मिला है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को विदित है कि पिछले 27 सितंबर से छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत हुई और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन समापन हुई रायपुर राजधानी में। यह यात्रा बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि पर दर्शन कर शुरुआत किए तमाम हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेतागण।